हर फील्ड में मेरी महारत भारत है, लेकिन मैं इस फील्ड में अभी भी भारत बनाना चाहता हूँ। लेकिन जो एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे, अच्छी टीम्स मिली मुझे, तो मैंने ये सोचा कि चलो मैं आगे जाऊँ, कुछ करूँ और कुछ अच्छा सॉल्व करूँ। एज ए डॉक्टर मेरा पेशा ही वही है कि मैं अच्छा प्रैक्टिस दूँ, ये करूँ। तो एज ए डॉक्टर, एज ए प्रोफेशन, एज ए बिजनेसमैन, एज ए वॉट, तो ये फील्ड में भी मैं लोगों को कुछ अच्छा ही देने वाला हूँ। आपने वेब सीरीज़ का जिक्र किया, आपने आगे बजट के बारे में बात करी जी। ऐसा कुछ प्लान कर रखा है क्योंकि आज की तारीख में अनगिनत प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरह बात कर रहा हूँ, Amazon से लेकर नेटफ्लिक्स, सोनी लिव, मैक्स प्लेयर, किसी से बात कर रही है कि एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करें? प्लेटफॉर्म से मेरी ऑलरेडी बात चल रही है। म्यूजिक प्लेटफॉर्म को जो म्यूजिकल बुक्स है, म्यूजिक सॉन्ग्स हैं, जाएंगे जो सॉन्ग्स जाएंगे हम लोगों को, तो काफ़ी लोगों से बात चली रही है। और मेरा खुद का चैनल भी है, जो अभी अमावत जो सॉन्ग है, जो मेरे खुद के चैनल पे रिलीज हो रहा है। इससे पहले जो मेरा सॉन्ग बना था जयेंद्र वर्मा जी के इस पे हुआ था, तो होगा वन बाय वन, आप देखोगे सब, हम मिलते ही रहेंगे। रंजन सर, आपसे पूछना चाहूँगा, जब आज की तारीख में जब एक मोनोपोली है म्यूजिक कंपनीज की, जब मैं बात करता हूँ तीसरी जैसी कंपनी, मोनोपोली आपने हमें राइट दीजिए, हम सब कुछ करेंगे, जब इतने बड़े बड़े जाइंट हैं वहाँ पर अपनी जगह बनाना, खास करके जब म्यूजिक की बात करता हूँ, वो कितना चैलेंजिंग है? मेरा सवाल आप दोनों से ही। चैलेंजिंग तो है ही है, बट ये हमारा भी शुरुआत है, ये दोनों भाई मिले हैं, कुछ अच्छा नहीं लोगों को, अभी हम वही सोच रहे हैं पहले से हम टाइप अभी करेंगे, लेकिन सीरियसली तो किसी का टाइप करेंगे, पर हमारा भी एक हमारा खुद का एक ये है मैनर, वो भी हम मतलब वो लेवल तक लेके जाएंगे धीरे धीरे, ये तो अभी हमारी शुरुआत है। थैंक यू सर, थैंक यू। Pranjal sir, how was the experience? First of all, I would like to thank them, the entire team, Pranjal ji, Ashu ji, Rupesh ji, Sameer ji, entire team were so creative, so innovative, and I feel very blessed and lucky कि उन्होंने मुझे chance दिया, and really thankful to them. And why did you choose this song particularly? I mean, ऐसा क्या आपको और किसी चीज़ का नहीं? ये song के मुझे lyrics बहुत appealing लगे, and the depth of the song is really good. और हर एक का लाइफ में किसी ना किसी का ब्रेकअप हुआ है, एवरी इंडिविजुअल का, तो इट इज दैट फीलिंग व्हिच हैज बीन पोर्ट्रेड, एंड आई एम लकी आई पोर्ट्रेटेड, सो आई फील इट। व्हाट अबाउट यू बीइंग पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट? बहुत ही अमेजिंग है, जिस सब सॉन्ग देख सकते हो, विजुअल, म्यूजिक, टीम, और जितनी भी टीम है मैं सबके साथ फर्स्ट टाइम कनेक्ट किया है, और बहुत ही प्रोफेशनल थे, बहुत ही अच्छे से शूट किया है, एंड आई थिंक जो चीज़ उन्होंने बोली थी वैसा ही बिल्कुल डिलीवर हुआ है। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक, बहुत प्रॉमिसिंग लगता है। जब आप कहीं अगर कोने में खड़े भी हैं टेक्निकल प्रॉब्लम के, लेकिन जब कानों में सुना जाता है बड़ा अच्छा लगता है, जब विजुअली देखा तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू। टेल अस योर स्टोरी, हाउ यू केम ऑन बोर्ड, हाउ यू बिकम पार्ट ऑफ दिस कास्टिंग प्रोसेस। जब टीम देख रही थी वो इट वॉज ऐसा कि कौन सा जो कास्ट है अकॉर्डिंग टू सॉन्ग सूट करेगा उस कैरेक्टर के साथ, तो एक गुड लुकिंग लड़का, एक गुड लुकिंग लड़की, तो मोस्टली वो इधर तोड़ता है उसके साथ, तो उनकी लव स्टोरी, उनकी जो केमिस्ट्री है वो अच्छी आनी चाहिए, तो उस हिसाब से लाइक। और एक लड़की का इसमें किरदार है, थोड़ा ग्रे शेड भी दिखाया है, तो आप वीडियो आगे देखेंगे तो आपको पता भी चलेगा। और मुझे ये भी लगता है कि वो तोड़ा गया है ट्रेंड जो आजकल चल रहा है, वो बहुत मुख्तलिफ लगता है, बहुत अलग लगता है। और जब आप उस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे आप दोनों को वाइब आई थी कि यार ये कुछ हम अलग हटके करने जा रहे हैं। हाँ, ऑफकोर्स कुछ हटके करने का वाइब था इस सॉन्ग में, इसीलिए तो हमने चूज़ भी किया। और उसके लिरिक्स ही मैंने कहा जैसे कि इतना डेप्थ है इसमें, इसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, तो वो काम करने के लिए भी बहुत मज़ा आया। अपने सनसाइन को, अपने लाइफ को, अपनी जर्नी को, हमें इंडस्ट्री में इतने साल हो गए हैं, तो कैसे हम यहाँ तक पहुँचे, उसके स्ट्रगल, लॉकडाउन और कितनी चीज़ें भी डिस्कस करी, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी ड्यूरिंग फ्लाइट, ड्यूरिंग ट्रैवल फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू दूसरा। रात के 3-4 बजे तक शूट कर रहे थे, तो इट वॉज वेरी लाइटली, ऐसा नहीं था कि नींद आ रही है, डेट थे, हंस रहे थे, बहुत मस्ती कर, बहुत जस्ट लाफिंग। कहावत है कि जब हम सिंगल्स की बात करते हैं तो दिल टूटने से बेहतर प्यार मोहब्बत की बात कर जाए, लेकिन दिल टूटने वाले गाने ज़्यादा अपीलिंग होते हैं। Exactly. इस बारे में आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? आई फील कि इमोशन पोर्ट्रे करना बहुत ज़रूरी है, और हार्ट ब्रेक तो होता है हर एक इंसान का, उसने वो खुले दिल से एक्सेप्ट होते हैं जो हमें मूव ऑन करने में मदद करते हैं। तो ये आई थिंक कोई एक गाना है कि अगर किसी का दिल टूटा है, कोई छोड़ के चला गया, ऐसे गाने सुन सुन के इट्स ईजी टू मूव ऑन कि यार ठीक है अभी हम वापस हो गए तो जस्ट मूव ऑन। आप दोनों में कितनी बार दिल टूटा? दादा जी जब जब प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाता है तब दिल टूट जाता है। जब जब मैं कैसा लगता है प्रोजेक्ट डन है और नहीं हो पाता है मोस्टली तभी दिल टूटता है। The last question, what message do you want to give to the audience why they come and be a part of Amazon? See, एक तो बहुत ही ज़्यादा मुझे ने बहुत अच्छा गाया है, मुझे बहुत विजुअली अच्छा शूट किया है और आई थिंक ये एक ऐसा गाना है जैसे आजकल एक सूफी और एक ट्रेंड चल रहा है, ये दिल को छूने वाला गाना है। आप इसको क्या विजुअली भी नहीं सुन के सिर्फ कानों से भी सुनोगे, सुनने में बहुत सूफी है और डेफिनेटली एक ट्रेंडिंग सॉन्ग ही रहेगा। एग्जैक्टली, सैड सॉन्ग है और एक्सेप्टेंस आना मूव ऑन के लिए बहुत ज़रूरी है और हमें आपको केमिस्ट्री को देखने को मिल रहा है, प्लस ब्रेकअप के बाद का सारा फेजेस ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं वो सब इसमें आपको देखने को मिलेगा एंड इट्स गोना बी रियली अमेजिंग। Thank you so much. It was amazing. I mean, how did you being part of this project and how did you feel? I was in the mood and someone called me कि हमारे भाई एक बहुत अच्छा गाना है, मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ और उसको आप कैसा लग रहा है ये बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे ही गाना मैंने सुना तो लो टू हाई सब गाने सुना, हाई नोट में गाना था, फील बहुत अच्छा था तो मैंने बोला को करते फिर रिकॉर्ड हुआ गाना। प्रांजल जी, प्रांजल जी का जो प्रोडक्शन हाउस है क्या कहना चाहेंगे, प्रांजल जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रांजल जी से मेरी मुलाकात हुई जब सेशन हमारा पहला हुआ रिकॉर्डिंग के पहले, उसे मिला तो बहुत अच्छा लगा उसे मिलकर। हमारे प्रोड्यूसर इतने अच्छे से बातचीत करते हैं, काफ़ी सपोर्ट किया और तब से हम लोग दोस्ती हो गए और काफ़ी सारा काम ले आगे कर रहे हैं। फिर इसके बाद जो वीडियो शूट हो जाए साथ में हम लोग हमें जब भी कोई आप किसी भी गाने का चुनाव करते हैं, किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर का बड़ा ब्रीफ जरूर होता है कि ये दिस इज अ म्यूजिक डायरेक्टर ब्रीफ। आपके अपने इनपुट्स क्या रहते हैं या यू आर म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर? हाँ, एक्चुअली ये गाना किया है शेख अब्दुल को, आज आया है गाना। जब बनता है तो एक कंडीशन से बनता है कि हमारा थॉट क्या है, तो ये रोमांटिक सैड सॉन्ग है और एज अ सिंगर मैं क्या सोचता हूँ मेरी आवाज़ में कैसा जाएगा। जैसे जब ड्रीम गर्ल का मेरा गाना राधे राधे तो आयुष्मान का गाना के ऊपर गाना, उसके जो नोट्स थे आयुष्मान बाजी के ऊपर फिल्माया जाना है गाना, तो उनके क्या एक्सप्रेशन आएंगे, कैसे वो दिखते हैं, ये बॉडी लैंग्वेज क्या है, उस हिसाब से गाना होता है। और सिंगल्स में क्या होता है कि हम अपने हिसाब से अपने पावर से गाते हैं, दिन शूट अपने हिसाब से जाते हैं। और फिल्म और सिंगल्स का एक डिफरेंस रहता है, अगर सामने से पता है कि सामने वाला एक्टर इतना बड़ा है उस हिसाब से गाते हैं और अगर सिंगल्स के लिए अपने पावर वो बंदा हो। अब क्या प्रोजेक्ट के बारे में, अपकमिंग प्रोजेक्ट उसके बारे में पहले मैं अपकमिंग के बारे में तो उसमें बाबा लाएंगे रास्ते मेरा थोड़ा सा राधे राधे दिन वापस आया। इसके बाद में हमारी एक फिल्म आ रही है जनहित में जा रही है, तो उसमें मेरा और करीमान शादी का डिबेट सॉन्ग है होली का, होली में रिलीज हो रहा है, बहुत बड़ा शो हो रहा है। आई होप कि राधे राधे के बाद वो गाना धमाल मचाएगा। और इसके बाद में लास्ट मंथ में 20 सिंगल्स मैंने किए, 20 म्यूजिक वीडियोज़ आ रहे हैं, तो अब 1 से 1.5 महीने में 20 गाने गाए हैं, तो शायद 50 सॉन्ग्स का टारगेट है 2022 में। देखते हैं क्या होता है, 50 के ऊपर गाने आते हैं। थैंक यू सो मच। अमावस की अगर हम लाइन गुनगुना दें अगर सर अलाप से चांद पे थना वो अमावस हो गया, मेरी आँखों का सितारा अब अंधेरा हो गया कि दिल की आस में प्यास में धोखा हो गया, कि दिल की आस में प्यास में धोखा हो गया। जिस चांद पे था नाज वो अमावस हो गया। Mumbai Anjum. Thank you. Tell us your experience here. You are here as a guest. I'm feeling amazing, and this is my first time in front of you guys. Thank you so much. All of being nice to me. Yeah. Ranjan sir, क्या कहना चाहेंगे अंजुम के बारे में? She is here in Mumbai. जब से हम जानने लगे, she is talented. इन्होंने इनका करियर मॉडल से स्टार्ट किया, इन्होंने उसके बाद अभी मेरे नेक्स्ट मूवी में आ रही है, तो टैलेंट मैंने लिखा हुआ है। आज हमारे प्रोडक्शन हाउस से जुड़े हुए हैं अंजुम। और कश्मीर जैसी जगह से आके अपनी जगह बनाना मॉडलिंग में, और जहाँ इतने गो इन डीप, इतने हर्डल्स हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, और वहाँ पे आके अपना मकाम बनाना, कश्मीर मिस कश्मीर होना, ये थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। जब इस तरह की उपाधि से, इस तरह की शख्सियत से आपको नवाजा जाता है, जब जैसे आपने खुद कहा कश्मीर खूबसूरती के बारे में, और वहाँ सिर्फ जो कुदरती खूबसूरती के अलावा जो इंसानी खूबसूरती है वो भी बहुत ज़्यादा है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हाँ, एक्चुअली बढ़ जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि जैसा आपने बोला कि बाहर खूबसूरती के साथ साथ अंदर की खूबसूरती भी बहुत ज़रूरी है, और वो है और बढ़ जाती है। कश्मीर से हो और यहाँ पे लोग आपको इतना सराहते हैं, अच्छा बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, विच मीन्स अ लॉट। सो या सर, क्या तैयारी है? जब मैं अंजुम की बात करता हूँ, क्या सिंगल में लॉन्च, सिंगल कोई करेंगे आपके प्रोडक्शन हाउस के लिए, या कोई वेब सीरीज करेंगी? अंजुम, योर लुक रिमाइंड मी ऑफ शहनाज गिल and I hope I'm not the first person to tell you this. No, you are the first person. And this is क्या कहना चाहिए जी? मैं एक यार जो कश्मीर बेस है, और उसमें लीड एक्ट्रेस है जो कश्मीर में शूट होगी, और हम लोग में कश्मीर की एक कहानी है और कश्मीर से ही है। तो मुझे ऐसे लगा कि जब फैक्ट वो कर पाएगा उन के लिए, शी इज इन फ्रंट ऑफ यू, तो एज अ लीडर शेयर देयर बहुत जल्दी होगी वो भी। We are always there for you. Thank you. कामयाबी कैसे? God's blessings, parents' blessings, and my team's hard work. You know, if you can throw some light on your journey, you know how you started. Started from a very small restaurant, 1500 square feet. Now reached to 51,000 square feet in Dubai. I guess India से abroad जाने वाला night club में पहला brand होगा. हमेशा out of India से brands यहाँ आते हैं. But Amadeus will be the first brand to Dubai. What is your future plan for the expansion of clubs? Expansion, as I said, Dubai in pipeline, Goa and many other cities will reveal out soon. Do we see, you know, such more Bollywood event happening here in this place? It's the heart of the city. You should actually visit. Tuesdays are happening. We have our current nights curated by Mr. Paddy, and then we have fashion shows happening here every fortnight, every 15 days. Different, we encourage different stylists to promote their talent out here, new models. So yeah, this is happening. Your association with Pranjal and Ashu and Elder Brothers. Supporting them, they are supporting me, we are supporting each other, going ahead. All my best wishes to them for this song. How do you like the song? I love the song. I have heard it already. Now again we are going to hear it. So it's an amazing one. Thank you guys. Thank you so much.